پرلے ارادے وعدے مرادے یہ ہے فرینڈ لائیو اپڈیٹ. गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम. मेरा नाम है निमेश और जैसा कि हम सुबह से ही बातें कर रहे थे, इस वक्त बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए नॉकटन से. और बता दूं कि आज के दिन मोस्ट हैपनिंग कोलकाता ऑडिशन इस वक्त चल रहा है एमटीवी डेट ऑफ रिमेंबर की. इस दिन का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था. सुबह से ही बताऊं जैम पैक यहां पे इस वक्त नजर आए. सभी ने आके यहां पे इस वक्त ऑडिशन दिया है और यहां पे थोड़ी देर में फाइनल राउंड जो है वो होने वाला है. और हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन सेलिब्रिटी जजेस युविका चौधरी एंड हमारे अपने प्रिंस नरूला. कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. आप ही के अपने शहर कोलकाता शहर आप आते रहते हैं. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रिंस. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है. इस ऑडिशन के बारे में, कोलकाता ऑडिशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है मुझे हमेशा की तरह. और ये शो नया स्टार्ट हो रहा है जो एमटीवी जो एक नए टाइम स्लॉट के साथ लेकर आ रहा है. तो इसका पहला ऑडिशन देहरादून में हो चुका है, जिससे सेकंड ऑडिशन. सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ अच्छे, क्योंकि यहाँ पर रोडीज़ नहीं आता, यहाँ स्पिट्स नहीं आता. तो हमने ट्राई किया कि यहाँ पर उस सिटी में जाएं जहाँ पर वो दोनों शोज़ नहीं होते, तो हमें अलग ऑडियंस मिलेगी. सो यहाँ की ऑडियंस की भी एक अच्छा यू नो स्कोप है कि आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ. और आई थिंक कोलकाता में बहुत सारा टैलेंट है. डेट टू रिमेंबर कुछ कहना चाहेंगे युविका? आप कुछ कहना चाहेंगे? या वी आर फाइंडिंग कंटेस्टेंट टू रिमेंबर सो दैट एवरीबडी कैन रिमेंबर. And yeah, we're very excited. We are looking for promising faces. And let's see what happens. We are excited to be here. Well, बताऊँ थोड़ी देर पहले मैंने देखा है लंबी लाइन लगी हुई है इस वक्त. सभी आपसे मिलना चाह रहे हैं. फाइनल राउंड जो है वो होने वाला. क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे प्रिंस? कुछ नहीं, एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम हमेशा पूछते हैं कि क्यों आना चाहते हैं ना. सो वही बेसिक आंसर नहीं चाहिए कि मुझे प्रूफ करना है या कुछ करना है. उसके अलावा क्या उनके दिमाग में है, क्या क्यों उनके लिए शो मैटर करता है और वो ऐसा क्या करेंगे शो में जो लोग उन्हें पसंद करेंगे. सो बस वही देखने जाता हूँ कि किसमें कितना स्पार्क है. क्योंकि हम शो को जब बनाते हैं तो बहुत चीज़ें देखते हैं कि जो लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे. तो उन सबको देखकर ही कंटेस्टेंट यहाँ पे चुने जाएंगे. युविका, 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त संडे इवनिंग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? आप दोनों के फैंस के लिए कुछ मैसेज? आई जस्ट वांट टू से कीप लविंग एवरीवन द शो व्हिच वी हैव कम फॉर एंड थैंक यू सो मच हैविंग अस हियर. एंड जस्ट वांट टू से कीप ब्लेसिंग अस. मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच कि हम इतना प्यार करते हैं और हमारे सारे शोज देखते हैं. तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए. कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी. आई लव यू. थैंक यू सो मच प्रिंस. थैंक यू सो मच युविका. हमारे साथ बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके. ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बिल्कुल लाइव आप सभी के लिए नॉकटन से, जहां पे थोड़ी देर में फाइनल ऑडिशन कोलकाता ऑडिशन होने वाला है एमटीवी डेट टू रिमेंबर की. इवेंट पार्टनर है एन2 एंटरटेनमेंट, ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. बैक टू स्टूडियो. फ्रेंड्स एफएम 91.9.